हाय, इट्स माय स्टोरी, माय एक्सपेरिमेंटल स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड गाइस, मैं क्यों इतना प्रिपेयर हो रही हूँ और मैं ये क्या कर रही हूँ, तो इसके लिए वीडियो जरूर देखना। एंड या लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो भारती की प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो है, आप सभी ने टाइटल पढ़ लिया है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो लेके आते अपने गेस्ट को जो की इस वीडियो में मेन भूमिका निभाने वाले हैं, तो जल्दी से लेके आई। मैं देखो, ये जो वीडियो होने वाली है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अपने रिस्क पे जो भी होने वाला है वो सब कुछ करना जो है बहुत डेंजरस होने वाला है सब कुछ। तो प्लीज, देखा सच में डेंजरस हो गया, प्लीज ये थोड़ा रिस्की है, थोड़ा संभल के थोड़ी फील लेने दो। मेन कैरेक्टर बेसिकली ये है। हाय, सबको हाय बोलो, सबको बोलना सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में और मेरे सांस से बुझ ना जाए। आज की जो वीडियो का आइडिया है वो मुझे इन सब से आया था क्योंकि बीच में ट्रेंड चला था, सब अपना फाउंडेशन जलाने में लगे थे, तो मैंने सोचा मैं भी जला देती हूँ। मोमबत्ती जलाने के लिए नहीं है ये वीडियो है कि मैं अपना पूरा मेकअप, यस, आप लोगों ने बहुत वीडियो देखी होगी जिसमें लोग अपना मेकअप को फ्रीजर में रख के फ्रीज करके लगाते हैं, तो मैं अपना सारा मेकअप आज ऐसे जलाने वाली हूँ, गर्म करने वाली हूँ और उसके बाद लगाने वाली हूँ। और मैंने देखा कि वो फाउंडेशन ना यार फुल कवरेज देता है और फेस्टिवल सीजन आ रहा है और कुछ ऐसा हैक मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो आज सारा मेकअप इनके भरोसे है, प्लीज हाँ अच्छा करना, प्लीज मेरी स्किन मत जलाना, मेकअप देना मुझे अच्छा। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो कर रही हूँ तुम्हारे लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करना वरना तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं होगा अगर तुमने ये हैक ट्राई किया। स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमर से। मुझे ना ज्यादा वेस्ट करने का शौक नहीं है तो मैं ये स्पून पे लूंगी ताकि कम से कम प्रोडक्ट खराब करूं। हेयर इज माय स्पेशल गेस्ट। रुको, मेरे पास वो वाले नहीं है ना, वो जो एक्चुअल वाले होते तो यही काम चलाएंगे हम। अरे यार, इस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये मुंह पे गिर रहा है। एक्सपेरिमेंटल वाली बारी जा रही है। टेक्सचर की लैब में आपका स्वागत है। नहीं, हाथ से करने वाले हो कभी ज्यादा गर्म हुआ तो नहीं, डोंट फील। ओके, ये गर्म लग रहा है। इट, ओ माय गॉड, इट फील्स, इतना थिक नहीं था जितना थिक अभी हो गया है। आई मीन, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स। आपके सामने है मेरा चेहरा कैसा था। दिवाली की लाइट से ज्यादा चमक रही हूँ इस टाइम पे मैं। आई थिंक मैं कॉम्पिटिशन देने वाली हूँ दिवाली लाइट्स को। इट फील्स गुड। चाय करने वाले हो ना, आईब्रो ही नहीं दिख रही है यार। तो मैं अपनी आईब्रो ठीक करके, एक तो चेहरा इतना चमक रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा, सारे ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं मेरे आंखों के सामने। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने फिट मी का फाउंडेशन और ये है 115 आइवरी। ओके, दिस मच हेल्जार स्टार, मतलब कुछ भी हो सब कुछ गर्म कर लो एंड फिर देखो रिजल्ट। वेरी लिक्विडी और बहुत बबल बबल हो रहे हैं इसमें। ओह फक, डॉट डॉट, गर्म है बहुत। ये देखो अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। एंड अब है टाइम ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, सो फुल कवरेज यार, थोड़ा ब्लेंड करके आई बट यार कितनी सही कवरेज है इसकी। और जस्ट कुछ भी नहीं करना हमें, बस अपने फाउंडेशन में आग लगानी है। हैड्स ऑफ टू यू, हैड्स ऑफ कर रही है, सलामी दे रही हूँ। अभी मैं डे लाइट में दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग लाइट है, डे लाइट अलग होती है। See how full coverage is this? मतलब इसकी कवरेज देख रहे हो कितनी सही है। तो नेक्स्ट है, जैसे कि हमें पूरा कैनवस फिल करना है, तो नेक्स्ट है कंसीलर, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी ट्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि कंसीलर इतना यूज ही नहीं होता और अभी तो वैसी जरूरत नहीं है। जलना स्टार्ट हो गया ऐसा लग रहा है इस बार तो। मुझे एक बार पीछे देखो, हमारे यहाँ ना एक चीज होती है दिवाली के आसपास, ऐसे काजल बनाया जाता है, तो ये काजल बन रहा है पीछे और आगे कंसीलर है। तो मैं अपने बाल हाथ से नहीं लगाऊंगी, ब्रश से लगाऊंगी। इट्स थिक, इट्स वेरी थिक, ये बहुत ज्यादा थिक हो गया है, जलता है आंख। ओके, नहीं जल रहा क्योंकि मेरे फेस पे कुछ दिख नहीं रहा। सो अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने इशू हो रखे हैं या पिगमेंटेशन है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए अपना कंसीलर को थोड़ा सा ध्यान से, पर फिर से ध्यान से, गर्म होता है। आई नो आग से नहीं खेलते लेकिन हम आज आग से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो अगर मेरा मेकअप हमेशा ऐसे रहा तो मेरे पास यही कॉन्टोर है, ज्यादा बच नहीं रहा, इसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे कॉन्टोर खरीदना है। गाइस, ये जितने भी प्रोडक्ट है सब ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है,
सो मैंने मेबलिन का ही फाउंडेशन और मेबलिन का ही कंसील लगाया, और प्राइमर मेरा वेट एंड वाइल्ड का था, तो सारे अभी ड्रग स्टोर मेकअप है जो कि इतना फुल कवरेज दे रहे हैं। तो अगर आपको भी हाई एंड वाला फिनिश चाहिए ड्रग स्टोर से तो थैंक्स मी लेटर। इट्स लुक लाइक चॉकलेट, यू नो, चॉकलेट को भी लगा सकते हैं, कभी ऐसा ना हो चॉकलेट को भी एज अ फाउंडेशन लगा लो, ऐसा हैक आ जाए। कॉन्टोर ब्रश छोटे वाले से लूंगी। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ये गर्म है, लेट्स ब्लेंड दिस, अब पता चलेगा। आई एम स्पीचलेस, आई मीन मैं अपनी पूरी लाइफ में आज तक एक ही कंप्लेंट रही कि मैं कभी नोज कॉन्टोर नहीं कर पाती अपनी। यू नीडेड, वी ऑल नीडेड। चलो आगे का स्टेप आप गेस करो क्या होना चाहिए। आईब्रो, यार मैं अपनी आईब्रो ना वैसे नहीं करती हूँ, मैं बस स्ट्रोक्स डालती हूँ, मतलब ब्रश कर देती हूँ, मेरी हो जाती है, तो आईब्रो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप सोचो। यस, ब्लश। तो नेक्स्ट, सो मुझे ना लिपस्टिक वाले ब्लश ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू पाउडर वन, क्योंकि वो बहुत नेचुरल सा देते हैं। तो मैं अपनी लिपस्टिक लेके आई, पिंकी, ये रेड, रेड पिंकी, रेड पिंकी, रेड करना चाहती हूँ। मैं रेड लिपस्टिक नहीं लगाती वैसे लिप्स पे, पर अभी जब लिपस्टिक जा ही रही है तो मैं सोच रही हूँ लगा लूँ। मुझे रेड लिपस्टिक नहीं पसंद, ट्राई मानना है। यस, अब आ रही है ना फीलिंग, सिर्फ गायब हो रही है। ब्रश ब्रश, मैं बहुत हल्का सा डैब मारूंगी। कैसे, ये बहुत ही सुंदर मेकअप हो रहा है यार, मैंने इमेजिन नहीं किया था इतना सुंदर होगा। आई थॉट ठीक है ट्राई करते हैं, पर देखो ये लिपस्टिक पर ना वेस्ट बहुत होगी, ये देखो ये कुछ नहीं उतर रहा, पर ब्लश थे। ओ जस्ट बिको, स्टॉप प्लीज स्टॉप, इट्स सो प्रेटी। आई एम यूजिंग ऑन माई लिप्स, इट्स नॉट फील लाइक लिपस्टिक बट लुक एट द कलर, लाइक मैं लिप लाइनर लगाऊंगी और ये सही हो जाएगा एकदम। मैं ना आज की वीडियो में बहुत बोल नहीं पा रही हूँ, स्पीचलेस हूँ, इतना सुंदर सुंदर। आई मीन लुक एट दिस लिप कलर, सो प्रीटी। मैं तो दिवाली पे यही मेकअप करने वाली हूँ, ये पूरी तरह से नहीं हट रही। यस, आई एम यूजिंग बेबी पाउडर एज अ सेटिंग पाउडर, मैं पाउडर गर्म कर रही हूँ, कसार ना बन जाए इसका, समझ रही हूँ ना क्या कहना चाहती हूँ। इसको यूज कर रही हूँ मैं पाउडर लगाने के लिए, थोड़ा गर्म फील हो रहा है ऑनेस्टली। आई नो मैं भूत लग रही हूँ, आई नो, एवरीथिंग वर्क सो नाइसली, आई मीन यू नीड टू ट्राई इट, यू नीड टू ट्राई इट। सभी देख चुके हो कि ये मेकअप नेचुरल लाइट में भी कितना सुंदर लग रहा है, तो इसकी सुंदरता के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ रहे हैं, अब जल्दी से इस मेकअप को खत्म करते हैं। तो इसलिए मैं मश्कारा लगाती हूँ, लेकिन मश्कारा मैं गर्म नहीं कर सकती, और मैं उसे लगाऊंगी कैसे, मतलब आई हैव नो आइडिया। तो जो लाइनर करते हैं, तो मैं इतना लाइनर नहीं लगाती लेकिन आज लगा रही हूँ। लिपस्टिक हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, बस हल्का सा लिप लाइनर लगा देंगे एंड वोला, हम रेडी होने वाले थोड़ी सी देर में। सो ये हमारी हैंडी डैंडी चम्मच, स्मच, वैसे मैं पीछे से भी लाइनर लगा सकती हूँ पर मैं ये फिर भी इसको गर्म करते हैं एंड ध्यान से करना, और आई थिंक ये हो चुका है। जस्ट बिकॉज इसको मैं आईज के पास लगाने वाली हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। या ये देखो, वो ओके, इट्स हॉट, ओके ये पूरा खराब हो गया है। इसको मैं आईज के पास लगाने वाली हूँ तो मैं इस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। आई थिंक मेरी आंखों कुछ, सो ये लाइनर वाला बिल्कुल ट्राई मत करना, बहुत बेकार था। मेन यहाँ देखो गिर गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा एयर ब्रशी वाला मेकअप हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब, कॉमेंट, शेयर, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, शिट ये वैक्स गर्म गर्म वैक्स लगती है यार, बहुत तेज, तो यार इससे भी बच के रहना, ये भी बहुत जलाता है। एंड या गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।